इस साल यानी कि 2022 में उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर। 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का भी ऐलान कर दिया। बात अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक 7 अलग अलग चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। राज्य में काउंटिंग 10 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश का यह चुनाव बीजेपी के लिए 2014 और 2019 के बाद अब 2024 लोकसभा चुनाव में होने वाले परिवर्तन के लिए, होने वाले परिणामों के लिए दिशा तय करेगा। यूपी में बीजेपी की सरकार रहेगी या जाएगी, ये तो 10 मार्च को साफ हो जाएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुमत में आती है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो एक बड़ा इतिहास उत्तर प्रदेश के राजनीति में रचा जाएगा। दरअसल ये पिछले 37 साल में पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार कुर्सी पर बैठेगा। 1985 के बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश में कोई सीएम रिपीट हुआ हो, यानी कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरे टर्म में आया हो, लगातार दूसरी बार कुर्सी पर बैठा हो। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1985 में नारायण दत्त तिवारी लगातार 2 टर्म सीएम बनकर आए थे। अगस्त 1984 से मार्च 1985 तक सीएम रहे थे और इसके बाद मार्च 1985 से सितंबर 1985 तक नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री रहे थे। अगर इसके बाद से देखें तो 1989 में जनता दल की सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और फिर 1991 से 92 तक बीजेपी की सरकार में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था उत्तर प्रदेश में। 1993 से 1995 तक सपा की सरकार रही, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी, एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर मायावती मुख्यमंत्री बनी, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन 2002 में कुछ समय के लिए लगा था और जब वो राष्ट्रपति शासन हटा तो मुख्यमंत्री बनी मायावती, उसके बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने जो 2003 से 2007 तक कुर्सी पर रहे। 2007 से 2012 तक बसपा की सरकार रही, मायावती मुख्यमंत्री रहीं। 2012 से 17 तक सपा की सरकार में अखिलेश यादव और 2017 से अब तक बीजेपी की सरकार रही और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे। यानी लगातार कुर्सी पर चेहरे बदलते रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलते रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव 1952 में हुए थे। इस तरह से विधानसभा को 70 साल करीब होने को आए हैं। 1952 में पहली बार संपूर्णानंद सूबे के सीएम बने थे। इसके बाद दूसरी विधानसभा चुनाव 1957 में हुए, चंद्रभानु गुप्ता सीएम बने। 1962 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी और इसके बाद चंद्रभानु गुप्ता एक बार फिर सीएम बने जो सिर्फ 19 दिन सीएम रहे थे और उसके बाद चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। उत्तर प्रदेश का एक लंबा इतिहास रहा है राजनीति में, आगे भी राजनीति में जो हलचल होगी, उत्तर प्रदेश चुनाव से जो खबरें होंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।